आज इंडिया 543 पर हम बात करेंगे श्री रामचरण बोहरा जी से, जो कि भाजपा के सांसद हैं जयपुर शहर से। सर, आपका इंडिया 543 में बहुत स्वागत है। केंद्र में सरकार बने हुए करीब करीब 2.5-3 साल हो चुके हैं। जयपुर शहर में केंद्र के सहयोग से आपने क्या क्या किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, जयपुर अपने अपने एक विश्व स्तरीय स्थल है, और जयपुर जो भी बाहर से जो भी पर्यटक आता है, और पर्यटक की दृष्टि से जयपुर अपने आप में अहम स्थान रखता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से विशेषकर जाना जाता है, और पिंक सिटी के पर्यटक के स्तर से अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व जयपुर को एक अहम स्थान मिला कि जयपुर पूरे हिंदुस्तान में पर्यटक की दृष्टि से एक अहम स्थान रखता है। पर्यटक दृष्टि से जयपुर में काफ़ी कुछ काम हुआ है, और जिस तरह से हमारा जो पर्यटन है वो एक रेवेन्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छा राज्य स्टेट को उसमें मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी यहाँ पर पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले राजस्थान को, उस तरह से आज यहाँ पर मीटिंग रखी है। सबसे मुझे जयपुर में पर्यटन का बहुत कुछ स्कोप है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी अलग से इसका बना रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, उसमें जयपुर के लिए काफ़ी काम किया है। जहाँ तक सवाल 2.5 साल जो आप बता रहे हैं सांसद बने हुए हुए, उस 2.5 साल में रेलवे में एक अहम काम मैंने वहाँ पर किया है। जयपुर स्टेशन को एक ग्रेड में हमने करवाया है, उसमें जयपुर स्टेशन पे वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई है ताकि हर उसको यात्री को अच्छा शुद्ध पानी मिले, और उसमें 52 मशीनें हमने जयपुर स्टेशन और आसपास के जो मेरे कॉन्स्टेंस के स्टेशन हैं, दुर्गापुरा है, गंगनगर है, जगतपुरा है, खातीपुरा है, उन सभी स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई ताकि ग्राहक को 20 और इसको ग्राहक इसको यात्री को 20 ट्रेनिंग देकर 25 ट्रेनिंग देकर और अपनी बोतल 5 रुपये का टोकन डाल सिक्का डालकर उसमें पानी अच्छी तरह अपना शुद्ध पानी ले सकता है और उसको पिया जा सकता है। इसी तरह जयपुर स्टेशन पर अभी कल ही हमने एक फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और 3 टायर AC के जो प्रतीक्षालय बना हुआ था वो ठीक नहीं था, उसको अच्छा 40 लाख रुपये की लागत से उसमें हमने अभी बनाकर उसका इनोग्रेशन किया है। इसी में महिलाओं के लिए भी जो महिलाएं हैं आती हैं तो उनके लिए अलग से उनको प्रतीक्षालय में वेटिंग रूम में अलग से व्यवस्था की है, और जो महिलाएं जिनके बेबी फीडिंग का काम रहता है उनके लिए अलग से बेबी फीड का अलग से रूम बनाया है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और महिलाओं को विशेष करके चेंजिंग रूम और अलग से बनाया ताकि महिलाएं अलग से अपना अदब से चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े ठीक कर सकती है, बदल सकती हैं। तो ऐसा काम सारा काम हमने जयपुर में किया है। कुछ गाड़ियां जो दुर्गापुरा और जगत गांधीनगर जगतपुरा रुकती नहीं थी, ऐसी करीब 13 गाड़ियाँ हमने नए स्टॉपेज कराया ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। दुर्गापुरा रहने वाला व्यक्ति जयपुर स्टेशन पर नहीं जाए, वो दुर्गापुरा ही रुक सकता है। ऐसे गांधीनगर के आसपास रहने वाला यात्री वो उसको आने में भी और जाने के लिए भी गांधीनगर से बैठ सकता है, गांधीनगर उतर सकता है, ताकि उसका समय भी बचेगा, उसका पैसा भी बचेगा, और जयपुर स्टेशन पर जो कंजेशन था उस कंजेशन में भी उसको राहत भी होगा। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है उसके तहत हमने बहुत एक अहम काम किया है। गांधीनगर और दुर्गापुरा से जयपुर स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का हमने काम किया, हजारों ट्रक गंदगी के पड़े टन गंदगी पड़ा था उनको सबका निस्तारण करके और हमने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया। उस समय बाद में ऐसा लगेगा कि गुलाबी नगरी में हम सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह 20 लाख लीटर पर डे पानी वेस्टेज जाता था, उसका STP बनाकर उस 20 लाख रिसाइकिल करके और कोचेज को धोने के काम के लिए, उसका आपके प्लेटफॉर्म को धोने के काम के लिए उस पानी का उपयोग किया जा रहा है, और जो रेस्ट पानी बचता है वो ग्रीन कॉरिडोर जो हमने बनाया है उसमें पानी देने के लिए वो काम आ रहा है। तो ये स्वच्छता के हिसाब से भी जयपुर में काफ़ी काम हुआ है। कुछ दुर्गापुरा, गांधीनगर, जगतपुरा से जो रेलवे लाइन पर जमीन खाली पड़ी हुई थी और कई बार एक्सीडेंट होते थे, तो उसके लिए हमने बाउंड्री वाल भी दोनों तरफ तीनों स्टेशन पर बनवाई। तो ये एक अहम काम जो हमने किया है। गांधीनगर स्टेशन पर जो हमारे स्क्रीन नहीं लगी हुई थी, सब जगह स्क्रीन लगाई है ताकि यात्रियों को पता लगे कौन सी गाड़ी कब आ रही है, कौन सा कोच कहाँ आ रहा है,
उसका भी काम किया है, ऐसे दुर्गापुरा में भी किया है। दूसरा, दुर्गापुरा में एक तरफ से ही वन गेट था, दूसरी तरफ भी हमने उसका गेट ओपन कराया है, ताकि एक तरफ यात्रियों का इतना कंजेशन होता था कि एक एक घंटा उसको यात्रियों को निकलने में लगता था, तो यात्रियों को पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है और कंजेशन से भी बच रहे हैं, तो ऐसा काम रेलवे के लिए हमने किया है। इसी तरह एयरपोर्ट का जो काम है वो सेंट्रल से रिलेटेड है, उसका हमने अभी आज भी आपने देखा होगा कि धुंध कोहरा हो जाता है, और कोहरा होने के बाद में जैसे दिल्ली में या प्लेन नहीं उतर पाते हैं, लैंडिंग नहीं हो पाती है, टेक ऑफ नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी विजुअल का देखें, और उसका आज से ही 7 घंटे का थोड़ा एयरपोर्ट बंद भी रहेगा, और कल से एयरपोर्ट हर प्लेन वहाँ पर उतर सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये काम भी हुआ है। हमने माननीय मंत्री जी से भी चर्चा की है और उन्होंने सिद्धांतिक रूप से स्वीकृति भी दी है कि जो अभी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसका टर्मिनल बना हुआ है, वो केवल 315 लोगों की आवाजाही के लिए बना हुआ है, और अभी जो इस तरह का जो वहाँ पर प्रेशर है वो 1500-1700 लोगों का आउटगोइंग है पैसेंजर, तो उसके लिए 2 टर्मिनल बनाने की हमने और बात करी है। उसके बाद में जयपुर एयरपोर्ट बहुत एक अच्छा एयरपोर्ट हो जाएगा, और दिल्ली और बॉम्बे के मुताबिक जयपुर का एयरपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अच्छा काम एयरपोर्ट का भी किया है, और हर दृष्टि, चाहे वो हमारे अर्बन डेवलपमेंट से बसें लगाने की बात हो, तो उसके लिए 37 करोड़ रुपया हमने यहाँ से मंजूर करा के वहाँ पर बसें भी खरीदी हुई है, और मेरे सांसद कोष से स्वच्छता के अभियान के तहत वहाँ पर नगर निगम, जो जयपुर नगर निगम है, उसको करीब 4.25 करोड़ रुपए देकर संसाधन जुटाने की हमने बात की है, ताकि स्वच्छता का जो पैमान मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो जयपुर गुलाबी नगरी होने के नाते, एक जयपुर पर्यटन क्षेत्र होने के नाते, उसमें और अच्छी सुंदरता है, तो ऐसा काम जयपुर के लिए हमने किया। आपका ये भी प्रयास था कि जो मेट्रो चल रही है जयपुर में, उसको रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाए, और दिशा में कोई प्रगति हुई? रेलवे स्टेशन से मेट्रो को जोड़ दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, अभी हमारे चांदपुर से लेके और बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का काम चालू है, सेकंड फेज का, और वो कुछ ही दिनों में वो हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि जयपुर में मेरे को एक एडवांटेज ये भी है कि राजधानी होने के नाते कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो मेरे बिना प्रयास करे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से होते रहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पर आशीर्वाद है और वो काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत भी अभी जो जयपुर दिल्ली रोड है उस पर ग्रीन कॉरिडोर हमने बनाया है, आमेर से लेके और जयपुर तक। काफ़ी गंदगी ऐसी महसूस होती थी कि कहाँ आ रहे हैं, और आज ग्रीन कॉरिडोर हो गया तो एक ऐसा एहसास होता है कि हम एक फॉरेन कंट्री में सफ़र करें। इसी तरह एयरपोर्ट सर्किल पर जो जवाहर सर्किल बोला जाता है, उसको भी एक अच्छा डेवलप करके उन्होंने तैयार कराया, ताकि हम ऐसा लगता है कि हम विदेश में घूम रहे हैं। तो इस तरह का जो काम हुआ, तो स्वच्छता की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर को बहुत अहम काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि जयपुर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र बनाने का जो काम किया है बहुत अच्छा है। सर, जयपुर में सांगनेरी इंडस्ट्रीज काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन कुछ जयपुर बगरू प्रिंट, सांगनेर प्रिंट जो इंडस्ट्री है जी, वो इंडस्ट्री पर काले बादल मंडरा रहे थे और सबको नोटिस मिल गए थे। हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता से हमने कहा कि 2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इनकी रोटी रोजी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं चलकर यहाँ पर आए और हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ जाकर, और उन्होंने मंत्री जी से बात की और 160 करोड़ रुपए की STP लगाने की योजना मंजूर कराई, उसका काम चालू है। और जिस तरह से जो पानी खराब होता था, उस पानी को STP के द्वारा वहाँ पर फसल के भी काम आएगा, और जो उनके काले बादल बन रहे थे उनको भी कमी आ गई। सारे जो 2 लाख मजदूर हैं उनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कनेक्शन काट दिए थे वापस, उन्होंने उनके कनेक्शन भी करा दिए। आज प्रिंटिंग का काम बस उसको चालू है, जल्दी STP बनकर और अच्छा हो जाए। आजकल रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर और कई जगह हमने सोलर पैनल लगवाए हैं,
रेलवे स्टेशन पर सोलर पैनल लगकर तैयार हो गए हैं और करीब 30-40% बिजली की हमारे आर्थिक दृष्टि से बिल में कमी आएगी और सोलर पैनल के द्वारा रेलवे पर जो अहम स्थान है वहाँ पर लाइटों का काम चालू हो गया है। इसी तरह एयरपोर्ट पर भी हमने सोलर पैनल लगवा दिए हैं और सोलर पैनल का काम चालू हो गया है, उससे 30-40% तक हमारे को आर्थिक दृष्टि से अच्छा लाभ मिल रहा है और जो एयरपोर्ट नुकसान में जा रहा था वो आज एयरपोर्ट फायदे में आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोलर पैनल से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सोलर एनर्जी का जो उन्होंने काम किया है, सब स्टेट में राजस्थान स्टेट अपने आप में एक अहम स्थान रखता है जिसमें सोलर पे अपना बढ़ावा दिया गया। बढ़ावा दिया आजकल का ज्वलंत मुद्दा है सर, डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने साहसिक कदम उठाया है, मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी की और युवा वर्ग और विश्व पूरा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता है कि एक साहसिक कदम उन्होंने उठाया है। और जिस तरह से लोगों ने इसको हवा बना रखा है ऐसा नहीं, हम आज एटीएम की लाइन में हो चाहे बैंक की लाइन में जो लोग खड़े थे आज मेरे जयपुर में तो किसी प्रकार कोई आज समस्या ही नहीं रही है। बाकी जो आज के 15 तारीख के बीच में जो समस्याएं थी, हम जाते भी थे, लोगों की सहयोग करते थे, चाहे वो लाइन में खड़ा हो उसको बिठाते थे, टोकन दिलवाते थे और जिसका 2 घंटे बाद नंबर आ रहा था उसका 2 घंटे बाद आ जाता था, किसी का 1 घंटे बाद नंबर आता 1 घंटे बाद आ जाता। इस तरह से हमने व्यवस्थाएं की थी ताकि किसी प्रकार की पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और आज की तारीख में किसी प्रकार की जयपुर में कोई परेशानी नहीं है। और हम जब लाइन में खड़े थे लोग तब हम जाकर आते थे और उनसे बात करते थे तो उनके 2 घंटा मेरे को खड़ा हुए तो हो गया। बाकी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और युवा वर्ग इससे बहुत संतुष्ट था और जिस तरह से लेस कैश सोसाइटी की बात आज जो होनी चाहिए उस लेस कैश सोसाइटी में भी शनिवार रविवार को मैं जयपुर था, हमने कई जगह जाकर कई समितियों में विकास समिति में जाके कई इस ऑफिस में जाके कई अस्पतालों में जाके हमने आग्रह किया है कि लेस कैश पर विशेष ध्यान दें ताकि हमारे को न हमारा पर्स रखने की आवश्यकता है न हमारे को कैश कैरी करने की आवश्यकता है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से जहाँ भी जितना भी पैसा उसको पेमेंट करना वो पैसा पेमेंट कर सकता है और आम आदमी इस काम से बहुत खुश है। अंतिम सवाल आपका, शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का स्थान बहुत आगे नहीं है या कह रहे हैं काफ़ी पीछे है, तो जयपुर में क्या संभावना है उसको आगे ले जाने? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि राजस्थान का पीछे था, बाकी इस बार हमने इस द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर राजस्थान का कमान संभाली है उसके बाद में जिस तरह जो ड्रॉप आउट थे उन ड्रॉप आउट में बहुत कुछ इजाफा हुआ है और 10 लाख नई भर्तियाँ बच्चों की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान एजुकेशन और हमारे सेंट्रल के एजुकेशन दोनों इक्विवेलेंट होती जा रही है और किसी प्रकार की एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। हर पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बनाया है, हर उसको अपर प्राइमरी स्कूल हर पंचायत स्तर पर है, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ड्रॉप आउट में कमी आई है और 10 लाख बच्चों का नया एनरोलमेंट इस गत वर्ष में हुआ है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का जो काम हुआ है राजस्थान में वो अपने आप एक प्रशंसनीय काम है। बोला जी आपने मिसाइल दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।